नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस के बारे में और खास करके ट्रैफिक पुलिस की वर्दी के बारे में। राजधानी पटना में ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पर बॉडी वॉर्न कैमरा लगा गया है। इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस के अफसरों और जवानों की गतिविधियों पर मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। बता दें कि पटना के बेली रोड पर आज यानी कि बुधवार को ट्रैफिक पुलिस के अफसर वर्दी में कैमरे के साथ काम करते दिखाई दिए। इस कैमरे की खासियत यह है कि इसके जरिए ट्रैफिक पुलिस की गतिविधियों को सड़कों पर चल रही गतिविधियों की लाइव मॉनिटरिंग की जा सकेगी। दैनिक भास्कर से बात करते हुए मोहम्मद आसिफ ने बताया कि 25 दिसंबर को यह कैमरा उन्हें सौंपा गया था। वर्दी में लगा यह कैमरा सीसीटीवी कंट्रोल रूम से कनेक्ट है। वहाँ बैठे पुलिसकर्मी इसकी निगरानी करते हैं। बता दें कि पटना में कई जगहों पर अभी और भी सीसीटीवी कैमरा लगना है, जिसकी मॉनिटरिंग भी यहीं से होती है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की सारी एक्टिविटी कैमरे में या क्रस्कने कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। कंट्रोल रूम के बैठे अधिकारी इसकी लाइव मॉनिटरिंग करते हैं। बता दें कि इस कैमरे के साथ पुलिस के जवानों को 2 दिनों तक ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद वे काम पर लौट रहे हैं, यानी कि एक तरह से कह लें कि वो कैमरे के साथ जो है वह काम पर लौटे हैं। पटना में 6 ऐसे कैमरे ट्रैफिक पुलिस को दिए गए। इस कैमरे को लेकर पुलिस का कहना है कि काम करने में आसानी हो रही है, क्योंकि लोग कैमरा देखकर चालान कटाने पर बेवजह हल्ला हंगामा या फिर शोर नहीं कर रहे हैं। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस पर अवैध तरीके से पैसे कमाने का आरोप लगता रहा है, साथ ही साथ लोग अपने साथ गलत व्यवहार की भी शिकायत करते रहे हैं। अब इन सभी बातों को ध्यान देते हुए बिहार पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। बता दें कि अगर सड़क पर किसी की भी गलती हो, उसकी सही मायने में पहचान हो सकेगी, इसके लिए लाइव मॉनिटरिंग रूम बनाया गया है। बता दें कि राजधानी पटना के साथ ही साथ गया, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और नालंदा में ट्रैफिक पुलिस को ये कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ साथ पारदर्शिता भी होगी कि आखिर सड़क पर उस समय क्या हुआ था। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जाती रही हैं। अगर हम इससे पहले की बात करें तो पुलिस अपनी दलील देती है और जो गाड़ी का व्यक्ति होता है वो जो है अपनी दलील रखता है। पुलिस अपना पक्ष रखती है तो वाहन चालक जो है अपना पक्ष रखते हैं। ऐसे में यह कैमरा काफ़ी मामले में आसानी पहुँचाने वाला है। एक तरह से कहने की चालान काटने को लेकर तो होगा ही होगा कि उसमें जो है पारदर्शिता बरती जाएगी। दूसरा, ये आरोप लगातार पुलिस के ऊपर लगते रहे थे कि गलत तरीके से जो है पुलिस पैसे की वसूली करती है, तो यहाँ पे भी जो है एक तरह से कहले मॉनिटरिंग की जा सकेगी। और दोनों के बीच में, पुलिस और आम पब्लिक के बीच में जो झगड़े होते रहे, इसकी भी खबरें मीडिया में खूब चलती रही है। इस पर भी जो है मॉनिटरिंग जो है होगी और अधिकारी को यह पता चल पाएगा कि आखिर पूरा माजरा है क्या। बिहार और बिहार से जुड़ रहे और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।